कांग्रेस विधायक मल्होत्रा का कराहल नगर में निकला विजय जुलूस। डीजे की धुन पर झूमे समर्थक, जमकर चली आतिशबाजी। जेसीबी से की गई पुष्प वर्षा। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद आज सोमवार को विधायक मुकेश मल्होत्रा ने जनता का आभार व्यक्त करने के लिए कराहल नगर में एक भव्य विजय जुलूस निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक शामिल हुए थे। ये रैली पनवाड़ा तिराहे से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार, करीदेहे तिराहे, चिंताहरण मोहल्ले से होते हुए कराहल कांग्रेस कार्यालय पर जाकर समापन हुआ। इस दौरान अपने क्षेत्र के नए विधायक के स्वागत के लिए जनता की भारी भीड़ नजर आई। जगह जगह मुकेश मल्होत्रा का स्वागत सत्कार किया गया। यहाँ डीजे बैंड की धुन पर समर्थकों ने खूब डांस किया और जमकर आतिशबाजी चलाई। करिया दह तिराहे पर रैली में शामिल जनता पर जेसीबी से बरसाए फूल। विधायक मुकेश मल्होत्रा ने चुनाव में जीत हासिल करवाने के लिए क्षेत्र की जनता का तहदिल से आभार व्यक्त किया और कहा कि आपकी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। रैली में कांग्रेस के तमाम विधायक और दिग्गज नेताओं के साथ महिलाओं की भी अच्छी खासी भीड़ मौजूद थी। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। विजयी जुलूस निकाला जा रहा है मुकेश मल्होत्रा जो प्रत्याशी से शानदार जीत उन्होंने दर्ज की। नीटू सिकरवार जी, कैसा लग रहा है, आपने परचम लहरा दिया है दोबारा? देखिए, निश्चित बात है, मुकेश की मेहनत, उसकी सरलता, उसकी सहजता, मुझे लगता है कि ये बड़ा बड़ा कारण रहा विजयपुर जीतने का। क्योंकि एक तरफ सामने ऐसे लोग थे जो सत्ता के दम पर, ताकत के दम पर, पैसे के दम पर और अपराधियों के दम पर चुनाव लड़ना चाहते थे। एक तरफ वो व्यक्तित्व था जिसने अपनी मेहनत के दम पर, अपनी सहजता के दम पर, सरलता के दम पर इस क्षेत्र में अपना नाम किया। मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण जीतने का रहा। रहा बात बदलापुर की, तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, मेरे परिवार ने और कभी कांग्रेस पार्टी ने बदले की राजनीति नहीं की। एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जो मुझे करना था वो मैंने किया और निश्चित बात है यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विजयपुर की जनता को, जिन्होंने मुकेश मल्होत्रा जैसे एक गरीब के बेटे को विधायक बनाने का काम किया। और कोटि कोटि मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में इस विजयपुर की जनता का स्वागत करूँ, वंदन करूँ, अभिनंदन करूँ। मैं तो सारे पुष्प जनता के चरणों में समर्पित करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जीत हो चुकी है, आज विधायक बन चुके हो, अभी तक आप एक सरपंच थे, क्या लग रहा है, किनका श्रेय है इस जीत में? इस जीत में यहाँ के एक एक कार्यकर्ता, यहाँ पूरी विजयपुर विधानसभा के और समस्त मतदाता भाई बहनों का और हमारे कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और छोटे से बड़े स्तर के सब प्रदेश लेवल के नेता, देश स्तर के नेता, सभी का बहुत बहुत योगदान रहा है और पूरी मेरे जीत का श्रेय यहाँ की जनता है। इस जीत को कितना चुनौतीपूर्ण मानते हो? लेकिन हम लोग तो पहले से ही आश्वस्त थे कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीतेगी, चाहे वो कितनी गुंडाई कर ले, कितनी बेईमानी कर ले, क्योंकि ये सब जनता समझ चुकी है, वो भ्रष्टाचार करते हैं और झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। लोगों पर उनने गोलियाँ बरसाई, लोगों के हाथ पर तोड़े, लोगों की पर्चियाँ छीनी, वोट डालने से रोका गया, इसका बदला जनता ने लिया और कांग्रेस पार्टी को विकास के लिए कितने प्रतिबद्ध हो आपका, पूरे विजयपुर विधानसभा का विकास आप ही के कंधों पर है। देखो, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो घोषणा की है उन घोषणाओं को हम अमल करवाएंगे, उनसे निवेदन करके और बिल्कुल आंदोलन करेंगे हम। और यहाँ जो विशेष पिछड़ा हुआ क्षेत्र है पूरा विधानसभा, तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ आप लोगों के साथ बैठ के और यहाँ की जनता के साथ बैठ के नए संसाधन खोजने का प्रयास करेंगे हम लोग और सरकार से अमल कराएंगे। भाई साहब, चुनौती आपके लिए भी थी, किस तरह देख रहे हो? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में मैंने पहले भी कहा था उस दिन मीडिया से, जिस दिन हम काउंटिंग में थे, कि ये 50 सीटें आप एक तराजू में रख दें पूरे मध्य प्रदेश की बीजेपी की, और एक श्योपुर, ये जो विजयपुर की सीट पे हमारी जो चुनौती थी वो एक तरफ थी। और आपने देखा है कि जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है, एक तरफ डकैतों का चुनाव था और एक तरफ हमारे ऊपर भी एक तरफ नक्सली तरीके का आरोप लगाए गए थे, लेकिन जनता ने वो समर्थन दिया है। वही आज एक मुकेश मल्होत्रा जी, जिनके ऊपर मतलब उन्होंने गलत तरीके से आरोप लगाए थे सिमंगल सिंह तोमर जी ने, तमाम भाजपा के नेताओं ने, आज जनता ने फैसला दिया है और पूरे क्षेत्र के विकास के लिए, हर संभव विकास के लिए मुकेश मल्होत्रा जी आगे रहेंगे, हर विकास को वो आगे लेकर के जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया था, आज कार्यकर्ताओं की, एक एक कार्यकर्ताओं की मेहनत, एक एक नेता की मेहनत और जनता जनार्दन का विकास पर कांग्रेस की जीत हुई है और उन धोखेबाजों की हार हुई है जिन्होंने कांग्रेस से गद्दारी करी थी।